ठीक है। तो ये है भत लेंगड़ा। तो पवार जी ने बताया कि भत लेंगड़ा, तो ये वैसी धारा लगा हुआ है। अब हमारे यहाँ तो वो वाले अभी भी धारे हैं, वो वैसे वाले, यहाँ तो गौमुख लगा हुआ अभी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो ब्लॉग को करते हैं शुरू और मैं हूं इस समय अपनी नई लोकेशन पे, आपको दिखाई दे रहा हूं तो केदारनाथ उत्तराखंड से। और मेरे पीछे देखिए आप, बुरास ही बुरास। तो मैंने बताया था आपको कि जो पहले वाला ब्लॉग था मेरा, कि मैं आपको दिखाऊँगा कि बुरास कैसे होता। तो आज है हम छेनागाड और चलेंगे अभी बुरासों की वादियों में। तो ये मेरे पीछे देखिए, बुरास ही बुरास। तो आज ले जाएंगे बहुत सारे बुरास, तो निकालेंगे जूस और जा रहा हूँ मैं एक नई लोकेशन पे जहाँ आपको दिखाई देंगे लेंगड़े। और ये पर्टिकुलर लोकेशन है छेनागाड़। तो चलते हैं, ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो चलेंगे आगे, तो हम जाएंगे बांगर, घंगासू बांगर की ओर और वहाँ दिखाई देगा आपको बुग्याल ही बुग्याल। तो चलते हैं ब्लॉग पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो पहला नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। तो यहाँ भी वैसी धारा लगा हुआ है। अब हमारे यहाँ तो वो वाले अभी भी धारे हैं, वो वैसे वाले, यहाँ तो गौमुख लगा हुआ अभी है ना। हेलो फ्रेंड्स, ये है लेंगड़ा। और लेंगड़े की भी पवार जी ने कहा कि दो वेरायटी होंगी, तो एक वेरायटी सफेद वाली दिखाई दी है ना, और ये वाली ग्रीन ग्रीन कलर की। भत लेंगड़ा माने समझ में नहीं आया। तो ये है भत लेंगड़ा। तो पवार जी ने बताया कि भत लेंगड़ा, तो ये दिखाई दे रहा होगा लेंगड़ा ग्रीन कलर का है एकदम। और एक दूसरा वाला लेंगड़ा है जो व्हाइट व्हाइट कलर का होगा, तो वो नहीं लेना है, वो बिस लेंगड़ा। ये खाने वाला लेंगड़ा ये है। मिलेगा भी ठीक है। स्कूल का नाम क्या है? क्या अभी हमारे में एडमिशन हो रहा है? कहाँ हो रहा है? पार्टियों की स्कूल में। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? तो छेनागाड में भी आप देखिए बड़ा मार्केट है, और यहाँ भी मिलेंगी आपको सारी की सारी चीजें। और मेरे साथ है पवार जी, तो चलते पवार जी। चलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं इस समय मथे गांव में और जा रहे हैं वहाँ नीचे घंगासू बांगर। और क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है पर्यवेक्षक की, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो अभी चलेंगे और मेरे साथ हैं इधर पवार जी है ना, तो चलते हैं एक बार नीचे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसा कि रास्ता ऐसा है, यहाँ खड़िंचे लगे हुए हैं, एकदम बेहतरीन रास्ता है। और दोनों तरफ देख रहे होंगे आप कि इधर सरसों की खेती और लोगों ने लगा दिया है हल, इधर हल लग चुका है और अब फिर से ये गेहूं की खेती हुई है सर है। अब सट्टी लगाएंगे, सट्टी ठीक है। और अब चावल जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ सट्टी लगाया जाएगा। तो चलते हैं ब्लॉग को करें कंटिन्यू, और एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। जान पहचान है इस गांव, इधर ही बैंक है उनका यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ नीचे जाना है मेरे को, और ये है इंटर कॉलेज। तो जूम करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है। अब पुरानी वाली बिल्डिंग ये रही होगी सर, यहाँ ऊपर जी सर, हमारे टाइम की है।
है ना, ये है खाने वाले लंगड़ा। तो ये है भत लंगड़ा। तो अभी गौशाला भी दिखाई दी, लंगड़ा भी दिखाई दिया, और ये घास है इधर जिसको कि गाय और भैंस खाया करेंगी। तो हम ममला घास होता है, ममला, अच्छा इसको बोलते हैं ममला घास, है ना। ये देखिए कितना अच्छा सा घास है, और हम हैं पूरे गांव में, और आपको दिखाई देगा कि जैसे हम जब गांव गए थे तो हमारे यहाँ भी अब ऐसी नस उड़े हो गए हैं, ऐसे वाले हल, ऐसा हाँ देसी हल हो गए। तो इधर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ये देखिए देसी हल है ना, और उधर वो बालिका फोन पे बतिया रही है ना। यहाँ तो अभी भी पठाल बहुत अच्छी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ घर, है ना, यहाँ के घर दिखाता हूँ पठाल वाले। सही है यार, हल लगा दिया भाई जी लोगों ने। ये है भाई जी बीस लंगड़ा, ना ये बीस लंगड़ा, और ये है बीस लंगड़ा। तो एकदम वाइट वाला है, अलग वैसी रहा भाई साहब जैसे वो होता ना, क्यों से होता है कि जीप से पानी निकलता है बाहर से, है हाँ, जिसके लिए नहीं कहते हम घरों में, क्या लाल धारा लग रहा है, हाँ? दिन भर वैसा होता जाए, मरते नहीं इससे याद में, मरते तो नहीं है। अच्छा, तो पंवार जी ने बताया यहाँ के बारे में, क्योंकि पंवार जी यहाँ के लोकल आदमी है और उनको ज्यादा बेटर मालूम है यहाँ के बारे में। और ये लोगों ने अपने लिए रखा हुआ है बांस की लकड़ी जलाने के लिए सर्दियों में, क्योंकि यहाँ अल्टीमेट ठंड होगी। तो आज हम आए गंगा सुबांगर, कान कम सुनते हैं, इनको एक बार ना उसने पकड़ रीत नहीं पकड़ा ना उसकी, अच्छा तब से ये डैमेज है, कान कम सुनते हैं। अच्छा अच्छा, ये है रीछ ने पूरी पकड़ के, तो यहाँ रीछ भी होता है? हाँ बहुत होते हैं यहाँ। अच्छा, तो हेलो फ्रेंड्स, हम चढ़ रहे समय नीचे स्कूल में गए थे, वो है GIC, और वहाँ से अब चढ़ रहे हैं। ये इतनी ज़बरदस्त वाली चढ़ाई, तो थकान भी लग गई है, और वहाँ बहुत सारे लोग अपने मिले थे, तो अभी चलेंगे आगे। तो ब्लॉग पर यूँ ही रहेगा, तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इस समय भुनाल गांव में, और जाएंगे अभी घुणेश्वर महादेव के पास, लेकिन भूख लग चुकी है तो खाएंगे मैगी। सर बना दो। तो ये एकमात्र शॉप है यहाँ पे जहाँ पे बनेगी मैगी, और मैगी का लिया जाएगा आनंद। वैसी वाली बनाना सर, प्याज वाली? तो मैगी का आनंद लिया जाएगा, और हम हैं इस समय बलबीर पंवार जी की दुकान, बलबीर सिंह पंवार जी की दुकान में, तो चलते हैं मैगी का लेंगे आनंद। और मेरे साथ हैं पंवार जी, कुनाल गांव में बनी है मैगी और बनाई है पंवार जी ने। पंवार जी की एक बड़ी विशेषता है, एक बोलो तो एक ही पवार जी आपकी एक विशेषता है, मैंने कहा एक बोलो तो एक ही लाते हैं।